नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अभिनंदन स्वीकार करिए। मेरा नाम काविंद्र चौहान है और वक्त हो गया है मेरा गांव मेरा देश है के यूपी एडिशन का। इस एडिशन में हम बात करते हैं उन तमाम विधानसभाओं की जहां पर चुनाव होने हैं। तो उत्तर प्रदेश की जब हम बात कर रहे हैं, दो चरण के मतदान हो चुके हैं, पांच चरण अभी भी बाकी हैं। आपको बता दें कि जो तीसरे चरण का मतदान है वो 20 तारीख को होना है। तो 20 तारीख को जिन विधानसभाओं में होना है उन विधानसभाओं की नब्ज टटोलने का एक प्रयास है, छोटा सा प्रयास कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इन विधानसभाओं में चुनावी मौसम कैसा है। तो ऐसे में आज हम आपके समक्ष पेश हुए हैं एक और विधानसभा के साथ। दरअसल इस जिले की बात कर ले तो हमीरपुर ये जिला है, हमीरपुर की राठ विधानसभा, आज इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ थोड़ा बहुत हमीरपुर को भी समझने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि राठ की अगर हम जब बात करते हैं तो यहाँ से मनीषा अनुरागी 2017 में इतने बम्पर वोट मिले थे जिसका किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया था। 1 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से जीत गई थी मनीषा अनुरागी और एक बार फिर मनीषा अनुरागी को ही बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। लेकिन दूसरी तरफ सपा के उम्मीदवार जो हैं वो दरअसल बताया जा रहा है कि क्षेत्र के जो लोधी हैं उनकी बहू है। और अभी थोड़े दिनों पहले एक डांस भी उनका काफी वायरल हो गया था, पूरे प्रदेश में उनका डांस का वो वीडियो छा गया था। तो ऐसे में आज चर्चा करेंगे कि क्या मनीषा अनुरागी जीतेंगी या फिर सपा का कैंडिडेट इस बार बाजी मार ले जाएगा, क्या सत्ता का परिवर्तन होगा या फिर सत्ता वहीं की वहीं बनी रहेगी, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखवाते हैं। तो हमीरपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो विधानसभा है नजर आती है। ये इसलिए है ताकि आप समझ सकें कि क्या कुछ यहाँ पर बदला हुआ नजर आता है या नहीं। तो ये देखिए कुछ ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिली थी जब विधानसभा बहिष्कार की बात की गई थी, कहा गया था रोड नहीं तो वोट नहीं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ की जो समस्याएं हैं वो बुंदेलखंड की समस्याओं से बिल्कुल अलग नहीं है। यहाँ की समस्याएं वही की वही हैं, मतलब संपर्क मार्ग, रोड, सड़कें टूटी हुई, गड्ढे हैं, सड़कों को लेकर प्रदर्शन भी करते लोग नजर आते हैं। सामने तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है और जब तस्वीरें बोलती हैं तब शब्द भी कम पड़ जाते हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि यहाँ पर जो प्रमुख समस्याओं में से और भी हैं उनके बारे में आपको बता दूं, किसानों के लिए सिंचाई के संसाधन नहीं हैं और रोजगार इस क्षेत्र में एक बड़ी समस्या है। तो बुंदेलखंड की जो समस्याएं हैं वही यहाँ की समस्याएं हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर और हमारे संवाददाता अब्दुल सिद्दीकी साहब और आम दर्शक हमारी स्क्रीन पर। प्लीज अब्दुल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब्दुल साहब आप पर आऊंगा, आप तो जुड़ते ही रहते हैं, आप तो यूज टू हैं, लेकिन बाजू में हमारे भैया बैठे हैं, नाम बताइएगा सर आपका अपना। मेरा नाम विकास कुमार पांडे है। अच्छा जी, पांडे जी ये बताइए इस बार क्या लग रहा है कि इस बार क्या देख सकते हैं, क्या सत्ता परिवर्तन होगा या फिर जहां है अभी वही के वही रहेगा? भैया चुनाव नजदीक है, अभी तो आम जनमानस मन बनाए हुए सत्ता परिवर्तन का ही, और सत्ता परिवर्तन हो भी सकता है इस चुनाव में, क्योंकि विकास के मुद्दे रहेंगे, बेरोजगार का मुद्दा रहेगा, किसान का मुद्दा रहेगा। जैसे लोग चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं, पिछली सरकारों ने सड़क नहीं बनाई, रोड नहीं बनाई, तो उसमें मुद्दा तो रहेंगे। ठीक है, पीजीएम को ठीक करवाएंगे, पीजीएम बहुत ब्लिंक कर रही है, मैं इशारों में समझा रहा हूँ, पीजीएम को ठीक करवाइए जरा, पीजीएम ब्लिंक कर रही है, बार बार ब्लैक जा रही है। ठीक है, तो मैं ये बात कह रहा था आपसे कि पांडे जी ये समझाइएगा मुझे कि किस तरीके से अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो जो मुद्दे अभी तक बुंदेलखंड जिस मुद्दों से जूझ रहा था, क्या वही मुद्दे जायज हैं अभी जारी हैं या फिर ये जो नेताओं के जो भाषण चल रहे हैं, जो रैलियां चल रही हैं, इसको लेकर अब कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है? कुछ बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा, विकास के मुद्दे वही के वही ठप है। किसी भी सरकार ने कोई ऐसा कार्य अभी तक नहीं कराया है जिससे कि आम जनमानस को सहूलियत मिले और वो आम जनमानस विकास की ओर बढ़े। पिछली सरकारों ने भी वादे तो बहुत किए लेकिन काम नहीं किया। हमारे विधानसभा में राठ में और हमीरपुर में दोनों में ट्रेन का वादा किया गया था कि ट्रेन की सड़कें बिछाई जाएंगी, ट्रेन यहाँ से निकाली जाएगी, लेकिन वो भी नहीं निकाली गई। इंडस्ट्री कोई नई नहीं आई हमारे यहाँ, तो विकास के मुद्दे तो वही के वही ठप है, किसी भी सरकार ने कोई काम नहीं किया। ठीक है, एक और चीज जानना चाहेंगे कि एक प्रदेश सरकार, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम प्रदेश सरकार से तो खुश हैं, योगी जी से तो खुश हैं, लेकिन जो हमारे विधायक हैं इन्होंने दरअसल कोई काम नहीं किया। तो आपका इस पर क्या टेक है, आप क्या समझ रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, या आप अपना व्यक्तिगत भी बताइएगा कि स्थानीय जो आपका विधायक है, मनीषा अनुरागी जी की बात करें, स्थानीय विधायक जो हैं उनसे आप खुश हैं या फिर उनसे खुश नहीं है लेकिन योगी जी से खुश हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के नेताओं ने भी काम नहीं किया और ऊपर के शीर्ष के नेताओं ने भी, क्योंकि शीर्ष का नेता अगर यहाँ के नेताओं को आदेश करता है या यहाँ के नेताओं को एक फटकार लगाने काम करता है कि आप काम करिए, और उससे
प्रभावित होती है, तो यहाँ के नेताओं ने भी कहा। अच्छा पांडे जी ये बताइए, ब्राह्मण कहाँ जा रहा है इस बार? बताया जा रहा ब्राह्मण तो पूरा बीजेपी से नाराज है। नहीं ऐसा नहीं है, ब्राह्मण बीजेपी में भी जाएगा, अपना अपनी मानसिकता है, जिस सोच से आदमी चलता है तो उसमें सभी पार्टियों की तरफ ब्राह्मण का रुझान है। ज्यादातर ब्राह्मण सपा और भाजपा की ओर रुझान ज्यादा कर रहा है। नहीं नहीं, ब्राह्मण जो है उनको बताया जाता है कि वो दरअसल बीजेपी के ज्यादातर, पहले तो बसपा में भी जाते रहे लेकिन अब बताते हैं बीजेपी का कोर वोटर हो गया, लेकिन इस बार ब्राह्मण जो है वो कहा जा रहा है कि नाराज बहुत है बीजेपी से, मैं ये जानना नहीं सर, उसमें बीजेपी में और सपा में दोनों में 50-50% चांस है जाने के। ठीक है, स्क्रीन पर लीजिएगा जरा। ठीक है, तो पांडे जी, अब्दुल जी है हमारे साथ अभी? अब्दुल जी जी ठीक है। हाँ अब्दुल जी, तो मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि सबसे पहले तो आप मुझे ये समझा दीजिए कि अभी वहां पर जो मौसम है वो किस तरह का है, कैसा मौसम चल रहा है वहां पर अभी, सियासी मौसम क्या कुछ कह रहा है? मौसम जी, चुनावी मौसम की अगर बात करें तो अपनी अपनी जो पार्टियां हैं वो अपने अपने जोर आजमाइश में लगी हुई हैं और जनता को लुभाने के लिए वहां कोशिश की जा रही है। सारी पार्टियां अपने अपने वादों और दावों को वहां पेश कर रही है। अब देखना ये होगा कि जनता उन वादों और दावों को यकीन मानकर उनको वोट करती है कि नहीं करती है। देखना की बात ये होगी कि हम हमीरपुर का जो विधानसभा क्षेत्र जो राठ है वहां पे कई मुद्दे बेरोजगारी के हैं, स्वास्थ्य के हैं और वहां की सड़कें जो है वो भी सारी तरह की हर तरीके से चौपट है। जिनसे इस बार जो अगर चुनाव की बात की जाए, मुद्दों की बात की जाए, तो जनता जो इस बार है वो वोट जो देना चाहेगी वो मुद्दों पर देना चाहेगी, ना कि वो किसी पार्टी को देना चाहेगी। जो भी सरकार उनके मुद्दों को पूरा करेगी, जनता उन पर वोट करेगी इस बार। क्योंकि अगर बात की जाए तो तत्कालीन जो हमारे विधायक हैं, अब ये बताइए अब्दुल सिद्दीकी साहब, ठीक है अब्दुल सिद्दीकी साहब, थोड़ी सी ज्ञान गंगा भी जो है वो बहती रहती है इस कार्यक्रम में, तो ये बताइए सबसे पहले मुझे, आपने जैसे कि कहा कि मुद्दों की जो बात करेगा जनता उसी की तरफ जाएगी, आज तक पिछले एक दशक की बात करूं, दो दशकों की बात करूं, कौन सा ऐसा नेता हुआ जिसने मुद्दों की बात की? विधानसभा लेवल पे बता रहा हूं, कौन सा ऐसा नेता आज तक आपने देखा या मैंने देखा जिसने मुद्दों की बात की, और कौन सी ऐसी जनता देखी जिसने असली मुद्दों को लेकर वोट दे दिया? जी कहीं ना कहीं नहीं, देखिए बहुत ना, देखिए ऐसा है, एक स्टैंडर्ड लाइन नहीं रखनी है कि ठीक है हम पत्रकार हैं तो हम उसी तरीके की बात करेंगे कि नहीं मुद्दों को देखकर जनता वोट दे रही है, ऐसा छोड़िए इसको। जनता भी कौन सा मुद्दों को देख रही है, कौन सा नेता भी मुद्दों को दिखा रहा है? पांच साल तक सरसों का तेल अभी महंगा हो गया था, आज से 6 महीने पहले मैं गया था, यही लोनी की बात बता रहा हूं आपको, लोनी विधानसभा की गाजियाबाद में पड़ती है, 10 घरों में हर गृहिणी परेशान, अरे भैया इतना महंगा सरसों का तेल, इतना महंगा सरसों का तेल, इतना महंगा सरसों का तेल। ठीक है, और अभी थोड़े दिनों पहले भी मैं गया, जब चुनाव था उससे एक दिन पहले की बात बता रहा हूँ आपको, जहाँ वहाँ वोटिंग थी लोनी, वही जो गृहणियाँ कह रही थी सरसों का तेल इतना महंगा, सरसों का तेल इतना महंगा, वही सब भगवा के वो बीजेपी वाले पैम्फलेट लेकर बांट रही थी अड़ोस पड़ोस में कि भैया बीजेपी को वोट देना, अगर इधर उधर वोट चला गया तो रहने लायक नहीं रहोगे, इधर पलायन करना पड़ेगा, जे सब करना पड़ेगा। तो मुद्दों पर कहां बात होती है, मुद्दे कुछ और है, मुद्दे तो दरअसल महंगाई है, बेरोजगारी है, और ऐसा नहीं है कि ये मुद्दे आज पहली बार है, अब्दुल सिद्दीकी साहब पहली बार नहीं है, 2012 में जब बैठे थे तभी तख्तियां लेके यही बातें कर रहे थे हम लोग कि महंगाई बेरोजगारी ये सब, ये मुद्दे परस्पर पाषाण काल से लेकर आज तक चले आ रहे हैं और अनंत काल तक चलते रहेंगे, चाहे खुद गांधी जी दोबारा जन्म लेकर जिंदा होकर आ जाएं और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएं गांधी जी, तब भी ये मुद्दा रहेगा कि गांधी जी को हटाओ क्योंकि महंगाई बेरोजगारी ये सब बढ़ गया और ये बढ़ता ही रहेगा हर बार। ऐसा नहीं हो सकता कि क्यों पांडे जी आप बताइए, अब ऐसी कोई सरकार आएगी जो कि पांडे जी बैठे घर में और पांडे जी को पकड़ने आए मुख्यमंत्री, पांडे जी बाहर चलो चलो लेखपाल बनो चल के? नहीं नहीं, जातिगत मुद्दे यहाँ पे रहेंगे, जातिगत जो समीकरण है हमारे प्रदेश में, हमारे जिले में तो रहे है ही है, पूरे प्रदेश में जातिगत समीकरण ज्यादा चलता है। आपकी विधानसभा में नहीं है, क्योंकि ऐसा पांडे जी मैं घूमता रहता हूँ, यूपी और बिहार दो ऐसी जगहें हैं जहां पर किसी से नाम पूछो पहले जाति बता देता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो यहां पर जातियों का बहुत ज्यादा इंपैक्ट है और गाली देने में बहुत, यहां की जनता सबसे बड़ी चालाक है, सारा जो करना है ना वो खुद करके बैठेगी पूरा ब्लैक, लेकिन पूरा ठीकरा फोड़ेगी नेताओं पर, सिस्टम पर, हेलमेट नहीं लगाएंगे लेकिन 500 रुपए 200 रुपए में चाहते हैं कि छूट जाए, चालान ना कटे, तो सिस्टम जो है इसको बनाया गया है ना इसी तरीके से। पांडे जी बताइए,
सिस्टम का तो इस सरकार में भैया सिस्टम तो पूरा बहुत करप्ट हो गया है, जो पिछले हम कई दशकों से देखते चले आ रहे हैं जब से हम समाज सेवा में आए हैं, कई लोगों को देखा हमने, लेकिन इस सरकार में सिस्टम इतना भ्रष्ट हो गया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। सारी सीमाएं उन सिस्टम को पार कर रखी है भ्रष्टाचार की। इस सरकार में कुछ ज्यादा हो गया। यही है कि ऐसा होता पांडे जी, देखिए मेरा तो किसी से कोई वो नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि आपके लिए किसी सरकार का ज्यादा हो गया, किसी और के लिए किसी सरकार का ज्यादा हो गया, और आकलन भी अलग अलग चीजों का होता है। ये लोकतंत्र है, खैर ये उसकी खूबसूरती है। लेकिन अब अब्दुल सिद्दीकी साहब ये बताइए कि आज से अगर हम 6 महीने पहले की बात करें और अभी चुनाव के वक्त की बात करें, बिल्कुल अभी करंट की, तो अभी जब नेताओं की रैलियां होती है, बड़े नेता जब आते हैं आपकी विधानसभा में, बड़े बड़े नेता दिल्ली से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, और वहीं लखनऊ से भी बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, तो ऐसे में 6 महीने पहले के माहौल में और आज के माहौल में कुछ अंतर नजर आता है आपको? जी, अंतर देखा जा सकता है, क्योंकि जो रैलियां चल रही हैं उन रैलियों में बड़े बड़े दिग्गज नेता आ रहे हैं, उनपे उनके प्रभाव में देखा जा सकता है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन उसमें हो रहा है। कहीं ना कहीं जनता उनके तब रुझान ले लेती है, क्योंकि जब वहां के जो दिल्ली से और जो लखनऊ से जो भी नेता आते हैं वो अपने अपने वादे अपने अपने दावों को प्रस्तुत करते हैं, जनता उनकी बातों को सुनती है और कहीं ना कहीं उनका मूड परिवर्तित भी हो सकता है, कि ये जनता का मूड है कि वो किस तरफ जाना चाहेगी, ये तो जनता ही जान सकती है। वही है, ठीक है। और इसके अलावा ये और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जब बिल्कुल तीसरे फेज की यहाँ पर वोटिंग होनी है, ऐसे में ये बताइएगा कि लोधी बहुल इलाका है, ठीक है ना? जी, ठीक है ना। और यहाँ पर जो अभी वीडियो वायरल हुआ था डांस का, तो ये कैसा गया? मतलब वहां पर पॉजिटिव लिया लोगों ने या इसको ट्रोल करने के हिसाब से नेगेटिव ले लिया लोगों ने, कैसा रहा? जी, वहां के लोगों ने इसको पॉजिटिव लिया है, कुछ लोगों ने नेगेटिव भी लिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो सपा की प्रत्याशी है चंद्रवती वर्मा, उनको इस ट्रोल से कहीं ना कहीं फायदा भी हुआ है, क्योंकि लोधी बहुल क्षेत्र है वो, तो वहां के जो लोग हैं, जो जनता है, उनका ये कहना है कि बहू हमारी बेटी तुम्हारी, तो कहीं ना कहीं वहां के जो लोधी बहुल क्षेत्र है वहां पे उस प्रत्याशी को कहीं ना कहीं समर्थन भी कर रहा है, क्योंकि वहां के यही बड़ा यही तो मजा है। आपने कहा कि मुद्दों को लेकर इस बार जनता वोट करेगी, अब देखिए थोड़ी देर बाद आप बोल रहे हैं कि बहू हमारी, बताइए लोधी की बहू आ रही है। जी, जी, जी। अब मुद्दा कहाँ रह गया इसमें? इसमें तो बहुरानी आ गई है कि नहीं अब्दुल साहब? जी, अच्छा ठीक है, एक और चीज जानना चाहेंगे कि अभी थोड़े दिनों पहले यहाँ पर एक और चीज है बुंदेलखंड की, अगर मैं बात करूं तो ये पिछड़ा क्यों है आज तक, ये बताइए? क्योंकि हम देखते हैं कि चुनाव अब तो आ गया है, थर्ड फेज का आ गया है, तो ठीक है आपके नेता जाने लगे आने लगे, लेकिन सामान्य रूप से बुंदेलखंड की कोई बात नहीं करता है, पश्चिम की खूब बात होती है, पश्चिम की खूब बात हो जाती है, और एटा मैनपुरी अवध क्षेत्र जो है इसकी भी बात हो जाती है, क्योंकि ये सपा का थोड़ा गढ़ वगैरह है, इसलिए वाराणसी की बात हो जाती है, इधर साइड की बात हो जाती है, बुंदेलखंड कहाँ रह जाता है? ये जो हमीरपुर है आपका, ये सब कहाँ रह जाते हैं ये जगह? जी, कहीं ना कहीं इसमें जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो जनता उनको देखती है, वो जाने के बाद यहाँ से वोट तो ले लेते हैं जनता से, लेकिन अपना दायित्व अपना कर्तव्य वो भूल जाते हैं जनता के प्रति, कि हमको कुछ काम भी करना है, कुछ यहाँ काम भी करवाना है, तो कहीं ना कहीं वो जनता से वोट लेकर के अपने दायित्व को भूल जाते हैं, जिससे फिर उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। और जो बुंदेलखंड है इसी वजह से आज तक पिछड़ा है, उसका विकास नहीं हो पाया है, किसी ने तो विकास करने की कोशिश। हाँ बिल्कुल, पांडे जी आएंगे, पांडे जी धीरे धीरे करके आएंगे, पांडे जा रहे हैं। यूपी में बुंदेलखंड सबसे ज्यादा राजस्व देता है, जिसमें हमारे दोनों जिले राठ और हमीरपुर विधानसभाएं हैं, दोनों हमारे राजस्व की प्रतिरूप है, राजस्व देती हैं, लेकिन यहाँ के जितने भी नेता आते हैं, जो विधायक बनता है वो लखनऊ निवासी हो जाता है, जो सांसद बनता है वो दिल्ली रह जाता है, लोकल की जितनी भी समस्याएं हैं लोग भटकते रहते हैं, कोई भी जो जननायक बनते हैं यहाँ के विधायक सांसद, कोई भी सुनने को तैयार नहीं रहते, और यहाँ के सांसद विधायक तो ये भी कहते हैं कि हमें आपने वोट नहीं दिया, मोदी जी ने जीता है, तो ये एक बड़ा दुखद है कि यहाँ की जनता को ये लोग ध्यान नहीं देते, और हम सब लोग 5 साल फिर एकदम किराए के घर में जैसे रहते हैं, कि कभी भी मालगाना हक नहीं मिल पाता, हम लोग कहते हैं कि हमारा जो राजस्व आप ले जाते हो, उसी राजस्व का अगर 50% भी हमारे जिले में खर्चा कर दे, तो आज हमारा जिला डेवलपमेंट कर जाए और हम पिछड़े ना रहे। अब कोई नेता है वो विधायकी की विधायकी लड़ रहा है, अब्दुल साहब और पांडे जी, अब वो 4 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है, भाई चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए ना, ऐसा थोड़ी ना कि काविंद्र चौहान चुनाव लड़ने लगेंगे कल या पांडे जी आप लड़ने लगेंगे, पैसा चाहिए उसके लिए। अब जो 4 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है,
तो वो कितना कमाने की सोच रहा होगा, थोड़ा आप बताइए पांडे जी। अगर आप 4 करोड़ रुपया किसी काम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कितना चाहते हैं कि कितना पलट कर आए? बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि दुगना आए। बस यही तो है पांडे जी। तो अगर आप चुनाव लड़ लिए 4 करोड़ में तो आप भी लखनऊ में बैठे दिखेंगे, 4 का 40 बनाएंगे आप। तो ये है आजकल नेता वो नहीं रह गए। देखिए बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूं मैं, इसलिए काफी दफा शिकायत भी हो जाती है। आज वो समय नहीं रह गया, अब लोहिया का समय नहीं है, अब मुलायम सिंह यादव का समय नहीं है, लालू या कोई और नहीं बन पाएगा, कल्याण बाबू अब कोई और नहीं बन पाएंगे, ठीक है ना, चंद्रशेखर अब और कोई कैबिनेट में नजर नहीं आएगा। समय बदल चुका है। आप कितना भी इसको कुछ भी कहिए, ऊपरी ऊपरी कितनी भी बातें करिए कि जनता मुद्दों को लेकर, नेता ऐसा नेता वैसा, अरे समाज सेवी, आज के समय में नेता समाज सेवी, कौन सा नेता समाज सेवी? मोटरसाइकिल भी लेते हैं तो ऐसा लगता है जापान से लेकर आए हैं 10 लाख की। घर पे चले जाइएगा आप उन समाज सेवी नेताओं के, कप प्लेट कटोरी सब इटली का होगा, ग्लास भी होगी ना, तो वो भी यहां की नहीं होगी, वो भी लास वेगास की होगी, ठीक है ना, और दिखावा भी होगा, दिखावा भी होगा। और बाहर आके जैसे चुनाव आए तो सरपट सरपट ऊपर नजर ही नहीं करी, सब पैर छुए जा रहे, पैर छुए जा रहे लगातार लगातार। अब गांव देहात चले गए तो गाय बैल बकरी भैंस जो आ गए उसके भी पैर छूते चले गए लगातार। तो ये तो दिखावा है कि नहीं पांडे जी, बताइए। अब इस पर कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये है कि हम ऐसे व्यक्ति को चुने जो हमसे सबसे ज्यादा करीब हो। आजकल लोग इसी चीज को सोचकर वोट देते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं, ठीक है। अब मैं जहां से आता हूं, जिस विधानसभा से, उस विधानसभा में मेरा मामा लड़ रहा है चुनाव, या फिर एक और नेता है वो लड़ रहा है, तो आप बताइए मैं किसे वोट दूंगा? आप बता देंगे किसे दूंगा, बताइए। मामा को देंगे ऑब्वियसली, बस यही बात है। और ऐसा ही चल रहा है, और ऐसा चलाने के लिए आजकल कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी एस्ट्रो साइंस नहीं है इसमें पांडे जी। क्या है कि अगर आपको मैं अध्यक्ष बना दूं एक पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, राष्ट्र अध्यक्ष है पांडे जी, ठीक है जी। अब पांडे जी कोई पॉलिटिकल साइंस नहीं, आप ये देखिए कि हमीरपुर है, हमीरपुर में इराट विधानसभा है, इसमें बताइए सबसे ज्यादा कौन सी जात का वोटर है, और जिस जात का सबसे ज्यादा वोटर है उसी जात का नेता खड़ा कर दीजिए। क्योंकि ऐसा है हमारे यहाँ कि पांडे को लगता है कि मिश्रा हमारा करीबी है। अब चाहे मिश्रा पीठ पीछे तमंचा भर के गोली भर रहा हो उसमें कि आज जाके पांडे जी को मार देंगे, तो ये है बिल्कुल। तो यहाँ जातियों का ये बन चुका है। और ऐसे एक और चीज बताता हूँ आपको, आजकल तो बड़ी दिलचस्प चीज आ गई, एक महासभा, पांडे जी देखते हैं आप, क्षत्रिय महासभा, ब्राह्मण महासभा जी, ये तो बड़ा दिलचस्प, ये बहुत अच्छी, ये तो सबसे बढ़िया बिजनेस मॉडल है पांडे जी। आपको भी बनानी चाहिए एक ब्राह्मण परिषद, और मुझे भी बनानी चाहिए क्षत्रिय परिषद, ये बताता हूं कैसे, और अब्दुल जी को भी बनानी चाहिए एक माइनॉरिटी का सबसे बड़ा महासभा। ये इसलिए बता रहा हूं आपको, अब मान लीजिए मेरा नाम है कावेंद्र चौहान, ठीक है पांडे जी, अपना एग्जांपल देता हूं, लोग बुरा ना मान जाए इसलिए, ठीक है आपका दूंगा, आपने बुरा मान के बताओ, मेरे बारे में ही कह दिए बुला के मुझे, गेस्ट बुला के, चलो मैं अपने बारे में बताता हूं। मेरा नाम है कावेंद्र चौहान। अब कावेंद्र चौहान ने बनाई एक क्षत्रिय महासभा, ठीक है। अब चुनाव से पहले क्या होता है, बड़ा अंदर का पहलू बता रहा हूं आपको पांडे जी, चुनाव से पहले क्या होता है कि मायावती ने मुझे बुलाया, मायावती ने कहा जे बताओ काविंदर बाबू कितने वोट दिला दोगे? तुमने मायावती जी कम से कम 8-10 लाख वोट तो दिला देंगे आपको। तो मायावती ने कहा कि ठीक है भैया, तुम्हें एक मंत्री की पोस्ट देंगे और इतना इतना करोड़ रुपया देंगे, ठीक है। अब अगले दिन अखिलेश ने यादव ने बुलाया कि भैया काविंदर भाई कितने वोट दिला दोगे? हमने दिला देंगे, नेताजी का आशीर्वाद है तो हम इतने इतने दिला देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, एक राज्य मंत्री की पोस्ट आपको मिलेगी, कैबिनेट में ये दर्जा मिलेगा, 4 पेट्रोल पंप आपको मिलेंगे और इतना इतना करोड़ रुपया मिलेगा। अब अगले दिन योगी जी ने बुला लिया, स्वतंत्र देव सिंह ने बुला लिया कि भैया कितना? हमने कहा इतना इतना। तो बोले हमने चार पेट्रोल पंप तो वही दे रहे हैं। तो कह रहे ठीक, 6 पेट्रोल पंप तुम्हारे, इतना इतना करोड़ रुपया बताओ। तो अब मैंने तीनों का नोटिस किया कि भाई तीनों में कौन बढ़िया दे रहा है, पांडे जी बहुत गहरी बात बता रहा हूं। अब तीनों में से जो सबसे बढ़िया दे रहा है, मान लीजिए मुझे सबसे बढ़िया ऑफर दिया अखिलेश यादव ने, मैं अगले दिन ही जाऊंगा अपनी पट्टी में जहां सबसे ज्यादा ठाकुर है, जहां मेरा वर्चस्व है, सारी महासभा को इकट्ठा करो, पूरी महासभा को इकट्ठा करो, और वहां जाके ललकारूंगा कि भैया योगी जी के राज में कटोरा आ गया हाथ में, क्षत्रियों के साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत है ये सरकार, चलो भैया अखिलेश भैया के पास, पूरा क्षत्रिय समाज पूरा, अरे भैया नेताजी ने क्या कह दिया क्या कह दिया, सारा वोट डाला है अखिलेश यादव को, ठीक है। अब जैसे ही अखिलेश को वोट पड़ा, चुनाव संपन्न, कावेंद्र चौहान बन गए मंत्री, 4 पेट्रोल पंप मिले, एक मैंने दिया अपनी बहू को, एक दिया अपने भतीजे को, सब पेट्रोल पंप संभालो, अपने बच्चों को भेजा, एक को भेजा अमेरिका, एक को भेजा ऑस्ट्रेलिया, और खुद जाके लखनऊ बनाई कोठी और बढ़िया रहने लगे। अब बताओ जिन्होंने मेरे कहने पर वोट दिया वो तो वहीं के वहीं है ना, वो तो संघर्ष ही करते रहे, वो संघर्ष ही, तो यही चल रहा है अब उत्तर प्रदेश में। अब ब्राह्मण महासभा, क्षत्रिय महासभा, यादव महासभा,
माइनॉरिटी वाले भी अब महासभा चल रही है, महासभा है सर। तो आम लोग जो है ना पांडे जी, आम लोग जो है वो हमेशा ऐसे ही आम बने रहेंगे। और दो ही जातियां हैं और दो ही धर्म है, एक है आम लोग और एक है एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी वो है जब आम आदमी घर पे बोलता है, अपनी माँ से लड़ता है, माँ तुम चुप रहो, आज मुझे रैली में जाना है, योगी जी की रैली है, योगी जी हमारे भगवान हैं, और वहाँ ग्राउंड में खड़ा है, ऊपर हेलीकॉप्टर उतर रहा है योगी जी का, हेलीकॉप्टर देख रहा है, तो जो ऊपर से हेलीकॉप्टर उतर रहा है वो एरिस्टोक्रेसी है, वो एक अलग जात है और हम एक अलग जात है। ठीक है, और एरिस्टोक्रेसी जो होती है वो कभी अपने आप को मिलाती नहीं है हमें। आपको क्या लगता है कि जैसे आपके राठ विधानसभा में एक सपा वाला और बीजेपी वाला कार्यकर्ता लड़ जाएंगे तो एक दूसरे का सर फाड़ देंगे? सच बता रहा हूं आपको पांडे जी, लड़ गए तो सर फाड़ देंगे एक दूसरे का। और योगी जी और अखिलेश अगर मिल गए तो मीठी मीठी तो बातें करेंगे, चाय बिस्किट खाएंगे, समोसा चलेगा बढ़िया, है कि नहीं? गले मिलेंगे, गले मिलेंगे। और ये होता है, और यही तो है, दो ही जातियां, एक एरिस्टोक्रेसी है। असदुद्दीन ओवैसी है, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में इतना ललकारते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी उनको पूरा डिस्क्रेडिट करके रखते हैं, लेकिन कभी सदन में जाकर देखिए, सदन की कैंटीन में एक साथ खीर खाते मिलेंगे आपको चम्मच में, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही है। एक वो बिरादरी है, एक वो जात है, एक वो धर्म है जो एरिस्टोक्रेसी है जो बड़े लोग हैं, और एक जो जात है धर्म है वो हम लोग हैं। बस यही दो जात है इस देश में, यही दो धर्म है और कुछ नहीं, ठीक है ना? अब लोग जो हैं किसान आंदोलन में अंबानी को गरियाए पड़े हैं, अंबानी अंबानी ऐसा, अंबानी को अंबानी ने बेच दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश अंबानी को बेच दिया, अंबानी को बेच दिया। अब बताइए अब्दुल जी, क्या सोनिया गांधी अगर अंबानी फोन कर देगा कि सोनिया जी आपसे मिलना है, सोनिया गांधी दौड़ के टाइम देंगी, राहुल गांधी दौड़ के टाइम देंगे, हर कोई दौड़ के टाइम देगा पांडे जी? तो ये अलग बिरादरी है, अलग जात है, और हम लोग अलग जात है। अब पांडे जी, अब पांडे जी आप बताइए, सहमत है बात से कि नहीं? बिल्कुल सहमत है, ये बहुत बड़े लोग हैं, देश चला रहे हैं सर। तो ये सब लोग एक ही हैं, लेकिन हम लोगों को ये तय करना होगा कि हम सब का, सर्व समाज का, जैसे कि एक वो है बात है, सर्व समाज का भला कैसे हो अब्दुल जी, हम सब का भला कैसे हो? अब अगर ऐसा है कि पोलराइज करके ही बीजेपी को वोट मिलेगा, तो सबसे पहले तो इस पोलराइजेशन को खत्म करने का एक तरीका है, मैं बताता हूं क्या है कि मुसलमान कह दे अंदर किसी को वोट दे, बाहर कह दे हम तो बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी ने हमारे लिए सबसे बढ़िया किया, योगी जी सबसे बढ़िया है, बताओ पोलराइजेशन कैसे होगा? कभी पोलराइजेशन नहीं हो सकता। पोलराइजेशन इस वजह से होता है कि अगर यादव जा रहा था वोट देने सपा को या किसी को, बसपा को देने जा रहा था, ठीक है, और एक कुमार जा रहा था बसपा को वोट देने, बनिया जा रहा था बसपा को वोट देने या सपा को वोट देने, और वहीं जब वो वोट देने घर से निकला तो एक चौराहे पे खड़े होके अब्दुल जी ने कह दिया कि हम तो भैया सीधी बात बीजेपी जो हराएगा उसको वोट देंगे। अब जो रास्ते में जो बनिया जा रहा था ना पांडे जी, वो सोचेगा यार मुसलमान एक तरफा बीजेपी का खिलाफत करते हैं तो हम क्यों ना एक तरफ हो जाएं, हम भी बीजेपी को डाल कराएंगे। ये होता है पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन को रोकते भी हैं लोग ये जानबूझ के करते हैं, बीजेपी को फायदा है, जानबूझ के होता है। बीजेपी मुस्लिम इतना, मैं सच बताऊं आपको, कहने में कोई संकोच नहीं अब्दुल जी, मुस्लिम इतना इनको इतनी जानकारी नहीं है कि मुस्लिम जो खड़े होकर कहता है हम तो बीजेपी को कभी वोट नहीं देंगे, अरे बीजेपी के नेता यही चाहते हैं कि आप ये बोलो, वो यही चाहते हैं आप ये बोलो, और इससे होता है पोलराइजेशन। आपके बोलने से फायदा किसको होता है सर? सीधे बीजेपी को होता है इसका फायदा, सीधे बीजेपी, तो बस इसीलिए छोड़ दिया जाता है उनको, इसलिए बीजेपी को फायदा है। और अब क्या है, इस बार के चुनावों में आपने देखा होगा, इस बार के चुनावों में आपने पांडे जी देखा होगा कि 2017 से पहले जब चुनाव होते थे तो चुनाव के वक्त मुसलमानों की बात होती थी, इस बार मुसलमानों की बात नहीं हो रही है, समाजवादी पार्टी भी मुसलमानों की बात नहीं कर रही है, इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि अब ध्रुवीकरण सबसे पहले हो रहा है, पोलराइजेशन सबसे पहले हो रहा है, हिजाब का मुद्दा चल रहा है, अखिलेश यादव ने एक सेंटेंस नहीं कहा, और मुसलमानों को लेकर कोई बात नहीं कर रहे हैं, कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, उन्हें पता है अगर उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ बोला मुंह से तो पूरा जितना ये अलग वोटर है ये सब भाग जाएगा बीजेपी की तरफ, ये है। तो अब जो चुनाव है उसमें मुद्दा उद्दा कुछ नहीं है, बस ये है कि किस तरीके से बीजेपी हिंदू मुस्लिम को अलग कर ले, बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बहुत गहरी बात बता रहा हूं आपको पांडे जी, अब्दुल जी, बीजेपी का ये है कि कैसे हिंदू मुस्लिम को अलग कर ले, 80-20 कर ले और 80 पूरा वोट मिल जाए, और सपा को ये करना है कि किस तरीके से 80-20 ना होने दे, जो 80 है उसको भी 20-20 करे, और इधर भी 20 और 20-20-20-60 ये 80 अपना बना ले, और बसपा के पास जो 20 तो है ही, वो तो कहीं जा ही नहीं सकता उसका, और बाकी भी इधर उधर से 20-50 आ जाए, तो ये है, इसके अलावा कोई लड़ाई नहीं है।
और अब्दुल साहब और पांडे जी, जनता ऐसी ही रहनी है, जनता का भला अब हो तो तब देखो कब हो। हाँ पांडे जी, जनता का भला जब भी संभव है, जब अच्छे नेता आएंगे हमारे लड़ने वाले, हमारे संघर्ष के साथी बनने वाले। अच्छे नेता कभी नहीं आएंगे पांडे जी, अच्छे लोगों को नेता बनना होगा। लेकिन अच्छे लोगों की पूछ कहाँ है साहब? ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही। अब पांडे जी स्कूटर लेकर अगर चले गए लखनऊ तो कौन से कार्यालय में घुसेंगे बताइए? नहीं, हमारे यहाँ तो टिकट इस बेस पे दिया जाता है साहब की हमीरपुर में फला लोग हैं, उन्होंने इतने मर्डर किए, इतने बड़े बाहुबली हैं, राठ में इतने लोग हैं जिन्होंने ये डकैती डाल दी, या इतने मुकदमे हैं, उस पे हमारे यहाँ ज्यादा टिकट दिया जाता है। तो इसके पीछे आपको वजह बताता हूं, सज्जन आदमी को टिकट नहीं दिया जाता। वजह बताता हूँ आपको, आज से एक दशक पहले क्या होता था ना पांडे जी, अब्दुल जी अगर बात से सहमत हो तो बताइएगा, एक दशक पहले क्या होता था, जो गुंडे माफिया होते थे वो चुनाव के वक्त यूज किए जाते थे बूथ कैप्चरिंग के लिए, लूटने के लिए, बैलेट पेपर लूटने के लिए, इंक डालने के लिए, स्याही डालने के लिए। समय बदलता गया, अब गुंडे माफियाओं ने सोचा चुनाव जितवाएं हम, बैलेट पेपर लूटे हम, और इनके लिए क्यों लूटे भाई, अपने लिए ना लूट दे सब कुछ। तो उन्होंने कहा कि भैया नेताजी हमें टिकट दो, हम खुद लड़ेंगे चुनाव, इन्हें लड़वाएंगे नहीं, हम खुद लड़ेंगे। अब नेता ने भी सोचा कि इनके पास क्या नहीं है, इनके पास पैसा भी होता है, इनके पास बाहुबल भी होता है, ये लोकप्रिय भी होते हैं, ठीक है ना, दबंगई होती है तो अलग होती है, तो इसलिए ये लोग अब राजनीति में धीरे धीरे आ गए हैं। और इसको तो कोई पार्टी नहीं बोल सकती, सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा पूछा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग पर आरोप है, गंभीर आरोप है, वो बताइए पार्टियां, आप लोग कहिए कि नहीं देना है, सब पार्टियां चुप थी, सब पार्टियां चुप। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही जो कितनी हास्यास्पद है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी आरोपी जिसके ऊपर अगर कोई केसेस चल रहे हैं, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, कन्विक्ट है नहीं है, कन्विक्ट तो खैर होगा तो फिर नहीं लड़ पाएगा, लेकिन अगर आरोप है, कोई केसेस चल रहे हैं, तो उसको आपको जनता को बताना होगा। कैसे बताएंगे? आप बताएंगे प्रेस के माध्यम से, आप बताएंगे मीडिया के माध्यम से, आप बताएंगे अखबारों के माध्यम से। तो पता है नेताओं ने इसका क्या तोड़ निकाला है पांडे जी? नेता क्या करता है, सबसे पहले तो पता करता है कि सबसे छोटा अखबार कौन सा है, उस अखबार में जाके एक छोटी सी क्लिपिंग दे आता है और कहता है सबसे छिपा के लगाना इसे, और अखबार के छठे सातवें पन्ने में सबसे नीचे कहीं छोटा सा लगा होता है कि हाँ जो रामेश्वर सिंह जो है इनके ऊपर इतने इतने मुकदमे चल रहे हैं, बात खत्म। तो कल को अगर निर्वाचन आयोग पूछ ले कि भैया बताया था जनता को, तो वो बता देगा हाँ वो फलाने पेपर में छठे नंबर छठे पन्ने पे छोटी सी कटिंग थी नीचे, जनता को कुछ पता नहीं है, यही है। पांडे जी आज के लिए ज्ञान बहुत हो गया, अब किसी दिन आएंगे हमीरपुर तब आपसे मुलाकात करेंगे, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपकी ये जो टोपी है बड़ी अच्छी लगी हमें, अगली सर्दियों में मिलेंगे तो हमको गिफ्ट करिएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आज हमीरपुर की विधानसभा की बात कर रहे थे और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि हमीरपुर में मौसम कैसा है, हालांकि अभी सब कुछ तो पता नहीं चल सकता क्योंकि 10 मार्च को जब नतीजे खुलेंगे तब ये बातें निकल कर सामने आएंगी, लेकिन इन बातों के बीच जनता को दरअसल ये आईना दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर राजनीति किस ओर बढ़ रही है, और इसमें केवल नेताओं का दोष नहीं है, इसमें जनता का भी दोष है। अगर आप पूरी तरीके से लोकतंत्र की जो परिभाषा है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और लोकतंत्र जब अंबेडकर लिख रहे थे, अंबेडकर जिस लोकतंत्र की कल्पना कर रहे थे, अंबेडकर जिस लोकतंत्र को बनाना चाहते थे, अंबेडकर जिस तरीके का सिस्टम बिल्ड करना चाहते थे, और गांधी ने जिस सिस्टम को खड़ा करने के लिए लड़ाई लड़ी थी, और लोहिया जिस समाजवाद के लिए लड़ रहे थे, और लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव जिस तरीके से जमीन से उठकर एक बड़े नेता बन गए, और जेपी साहब जिस आंदोलन को लीड कर समाजवाद का एक नया अध्याय लिखने की कोशिश कर रहे थे, और बाबू कल्याण सिंह जी जिस राष्ट्रवाद की कल्पना कर रहे थे, वो कहां है? क्या वो आज आपको नजर आता है? आज के नेता अटल बिहारी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए क्यों नहीं मालूम पड़ते हैं? आज देश में ये माहौल क्यों है? इस सब पर चर्चा होनी चाहिए। अपने कार्यक्रम के जरिए थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश करता रहता हूं और करता रहूंगा। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।